कर रही है, किस प्रकार से संदेश देना चाहेंगे पाकिस्तान को? मैं सबसे पहले अपने शहीद को जिन्होंने देश की सेवा के लिए, हिंदुस्तान की सेवा के लिए और जो उत्तराखंड सैनिक प्रदेश के नाम से जाना जाता है, अपना सर्वस्व ने उछावर करके इस प्रदेश का नाम रोशन किया है। मैं अपने श्रद्धा सुमन अपनी तरफ से, अपने मुख्यमंत्री जी की तरफ से, पूरी सरकार की तरफ से मैं अपनी संवेदना प्रकट करता हूँ। और जहाँ शहीद ने माता पिता बहुत उम्मीद से बच्चों को पाल पोस के जवान करते हैं सेवा के लिए, लेकिन राकेश जी बीच में देश की सेवा के लिए माता भारत माता को चुना और अपनी माँ की जिम्मेदारियों को ना निभाते हुए आज हम लोग के मध्य में नहीं है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि अपने चरणों में स्थान दें, इनको आवागमन से मुक्त करें और जो परिवार को इतना बड़ा संकट आया है, भगवान उस परिवार को हिम्मत दें ताकि इस दुख से वो निकल सके। राकेश जी ने जो काम किया है इसकी क्षतिपूर्ति किसी चीज से भी नहीं हो सकती। विश्व के सारे धन दौलत दे दी जाए, क्योंकि राकेश जी का जो त्याग बलिदान है उसके सामने बिल्कुल सुई की नोक इतना भी नहीं है। तो जो सारे भारत सरकार से, उत्तराखंड सरकार से जो भी अनुमन्य है वह सहायता समय पर दी जाएगी। और अलग से क्या करना है, हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील, हमारी सरकार सामूहिक निर्णय लेगी और ज्यादा से ज्यादा जो संभव बन पाएगा परिवार की मदद।